नमस्कार। तो आज आप हम वोडाफोन आइडिया स्टॉक के ऊपर बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ की तरफ भी नज़र डालेंगे। वोडाफोन आइडिया में कल जो गिरावट हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी, पर आज स्टॉक जो है रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। 10-11% की रिकवरी, कल के दिन जो गिरावट हुई थी वो 17% से ज़्यादा हुई थी और उसमें स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया था वो ब्लू कलर की लाइन है 200 मूविंग एवरेज उसके ऊपर सस्टेन था, वही से आज ओपन हुआ और फिर से 14 लेवल जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, रेजिस्टेंस लेवल थी, उसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आएंगे तो और इजीली फिर से स्टॉक 15 लेवल को भी क्रॉस ओवर कर सकता है। कल जो गिरावट हुई थी, किस वजह से गिरावट हुई थी सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट पोल में बीजेपी को ज़्यादा सीट नज़र आ रहे थे, पर जैसे ही नतीजे सामने आए तो बीजेपी के सीट्स कम आए, जिसका सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अगर वॉल्यूम अच्छे आएंगे तो स्टॉक में रिकवरी भी होगी। न्यूज़ देखोगे तो कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नज़र नहीं आ रही रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया स्टॉक।